अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी जी, चाय ठंडी हो रही है, आप पहले चाय पी लीजिए ना। हाँ पीते हैं। घर से कब से बाहर भी नहीं निकली थी तुम, अंदर ही अंदर। कितनी घुटन हो रही होगी तुम्हें। चलो इसी बहाने सही, तुमने सांस तो ली ताजी हवा में। इतना बड़ा पहाड़ टूटा तुम्हारे ऊपर, अपशगुनी, मनहूस, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा ताई जी ने। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मम्मी जी का दर्द समझती हूँ आशीष, बहुत बड़ा है उनका दर्द। उनकी बात का बुरा मानकर उनके दर्द का अपमान नहीं करना चाहती। तुम लिखो, जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो देने हैं सड़क पे कोई लोग उनको। कुसुम, मैत्री को बुलाओ जरा। एक काम याद आ गया, मैत्री को बुलाओ। I'm just hoping कि देर भी तक मेरी नंदू घर आ जाए। मेरा छोटू तिवारी तब तक घर में सेटल हो जाएगा, फिर तुम घर चली जाना मैत्री। और तुम्हें कहती हो ना कि जिंदगी को आगे देखकर जीना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना मैत्री, पीछे पलट कर भी मत देखना। नए रास्ते पे वो लोग चलते हैं जिन्हें अकेले चलने का शौक होता है। मुझे तो नंदू के साथ चलने की आदत थी। क्या हुआ? अरे देख खा रही हो, तुम बुला रही हो तो बुलाओ, नहीं तो गला फाड़ के हमें बुला लेते हैं उसको। सांप सूंघ गया क्या तुमको? जब बोल रहे हैं मैत्री से बात करनी है तो बुलाओ, तो बुला काहे नहीं रही हो? इतना अच्छा सोचा था मैं, नंदू, सारांश, तुम, हम सब एक ही घर में रहेंगे खुशी खुशी। किसी ने सोचा थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। जी जी, आप ऐसा कीजिए, आप पहले चाय पीजिए, आपका सर बनना रहा था ना, आपको आराम मिलेगा। हाँ कोई ना, हो रही ठंडी, उबल रही है चाय, पी लेंगे ना बाद में। कह रहे हैं मैत्री को बुलाकर लाओ, बात करनी है तो बुला काहे नहीं रहे हो भाई? कोई बात नहीं, मत लाओ, हम खुद ही चले जाते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।